मध्य प्रदेश में तथाकथित गोरक्षकों द्वारा एक मुस्लिम शख्स को पीट पीट कर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है, जबकि दूसरा घायल शख्स गंभीर हालातों में अस्पताल में भर्ती है। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक तथाकथित गोरक्षकों ने रियाज खान उर्फ राका और 33 साल के शकील को घेरा और पीट पीट कर मरणासन्न हालत में छोड़ गए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को लेकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रियाज की मौत हो चुकी थी। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और उन्हें सतना भी जाना है। आपको बता दें कि सरकार ने ऐसे तथाकथित गोरक्षकों के खिलाफ सख्ती से निपटने की बात कही थी, लेकिन अभी भी बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि इन तथाकथित गोरक्षकों के खिलाफ क्यों कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।